देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है, ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है, ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक ही परिवार में छः छः दुकान चलती है, यानी RJD परिवार में छः छः दुकान चलती है। लालू यादव अलग सरकार चलाते हैं, तेजस्वी यादव अलग चलाते हैं, मीसा भारती अलग चलाती हैं और तेज प्रताप अलग सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार में छह छह दुकान चलती है, या संगठन की बात हो चाहे बेचने की, RJD पूरी तरह से बेचने का काम करती है। साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहे जाना कि बिहार में जो जंगल राज की बात करते हैं तो हमें केंद्र से जंगल राज खत्म करना है, उनके इस बयानों पे भी जमकर निशाना साधा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में। को जेल जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है अपराधी नहीं बचने चाहिए। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है, गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर अपने दुकान को 5 बजे बंद करके बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है, गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो 4 सीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं, नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में जंगल राज है, अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है। और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं, कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं, इतिहास जानता है लोग, पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करती है। हमको केंद्र से समाप्त करना है, जैसे यादव है। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है, ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया, इसलिए भाजपा के कृपा पर है। भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है, भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को? जनता दल यू कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं, सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। तो अभी हमने देखा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र में कहां
जंगल राज है, केंद्र में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। और उनको याद होना चाहिए कि अगर बीजेपी नहीं होती तो उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं बने होते। बीजेपी पे सबकी कृपा है, एक ऐसी पार्टी बीजेपी है जो सब पे कृपा की है और लोगों ने कोई किसी पे कृपा नहीं किया। साथ ही गुटबाजी को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक ही परिवार में छः छः गुट है, यानी RJD परिवार में, लालू परिवार में छः छः गुट है। लालू यादव अलग सरकार चलाते हैं, तेजस्वी यादव अलग सरकार चलाते हैं, मीसा भारती अलग सरकार चलाती हैं और तेज प्रताप भी अलग सरकार चलाते हैं। जिनको खरीदारी करना है वो खरीदारी कर सकते हैं, चाहे संगठन का हो चाहे बेचने की बात हो, RJD पूरी तरह से बेचने का काम करती है। धन्यवाद इसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।